हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, गोल्डन टेम्पल के दर्शन किए थे बहुत अच्छे से। अभी हम जाने वाले जलियांवाला बाग वहाँ पर, या ये भी नज़दीकी है, गोल्डन टेम्पल के इधर ही है। और उसके बाद वी विल गो टू वाघा बॉर्डर। तो अभी हमने नाश्ता कर लिया है, तो अभी हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग के इधर। काफ़ी भीड़ है जैसा कि अभी यहाँ पर आपको बताते हैं। एंट्रेंस तो ये जलियांवाला बाग का रास्ता इधर से ही है, वो टाउन हॉल ऑफ अमृतसर। ये जो वाइट स्टैचू दिख रहा है वहाँ से राइट है। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। तो आगे हमारे पप्पा गाइड करते हुए। ओके ये एंट्रेंस है। हम एंटर हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए जाके हिंदुस्तान की, इस दुनिया से तिलक करो ये ये है जलियांवाला बाग। बड़ी जगह है। म्यूजियम है अंदर। ये वो कुआ है जहाँ पर हमारी हिंदुस्तान की महिलाओं ने जब मार दी थी उन पर, जब गोलियां चल रही थी। ऐसा कुछ है कुआ। बहुत भीड़ है यहाँ पर। यहाँ पर है जहाँ पर पूरी गोलियाँ चली थी, वो था एंट्रेंस। पीछे एक ही एंट्री पॉइंट था और एग्जिट था ही नहीं। यहाँ पर थे सब लोग, भाषण चल रहा था यहाँ पर, ब्रिटिशर्स ने पूरा घेर लिया। जाने की जगह ही नहीं थी, आप देख सकते हो दीवारें कितनी ऊंची थी। एक ही एंट्री पॉइंट था, एक ही एग्जिट पॉइंट था। ये जो आप देख रहे हो, ये उनकी याद में बनाया गया शहीदी की ये स्मारक। यहाँ पर अभी भी गोलियों के निशान हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, जो वाइट वाइट बॉक्स में बनाया हुआ है। अलग से एक डेजिग्नेटेड अलग से बनाया हुआ है स्पेस। बहुत ही ज़बरदस्त है ये जगह, ओपन स्पेस। और यहाँ पर एंट्री भी फ्री है, एकदम मस्त है।
अभी हम ऑन द वे टू वाघा बॉर्डर है और यहाँ पर रास्ते पे एक वेज रेस्टोरेंट मिला है, अच्छा हवेली वेज रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा एम्बियंस है यहाँ का, देखो इंटीरियर भी अच्छा है एकदम, अच्छा एम्बियंस भी अच्छा है। यहाँ पर हमारे भाई ने अभी ली है थाली, कैसा है टेस्ट? थाली ली है अनलिमिटेड थाली 350 में, अच्छी है। अभी आएगा लच्छा पराठा आएगा, भाई ने ऑर्डर किया है तो ओनली 1% के नीट, 1% वन थाली हम लोग हमारे हिसाब से मंगाएंगे, देखते हैं। अभी आ गई है पूरी थाली विथ लच्छा पराठा एंड बटर नान, देखिए गुलाब जामुन डेजर्ट वेजर्ट सब आ गया है। तो अभी भाई शुभारंभ करेगा, जरा टेस्ट करिए बताइए कैसा है। अच्छा गर्म है, गुलाब जामुन कैसा है? गुलाब जामुन टेस्ट बताइए हमारे ऑडियंस को। अच्छा है, अच्छा है, टेस्टी है, टेस्टी है। क्योंकि इसका नाम काफ़ी सुना है हमने, ये होटल का हवेली बहुत फेमस है, बस देख भी लिया खाके कैसा है। लच्छा पराठा कैसा है? खुशबू तो अच्छी आ रही है, टेस्ट कैसा है? ए भाई जल्दी करो, हमको ऑडिशन के नाम जैसे ही है, सुबह जैसे लच्छा पराठा नहीं है। ठीक है, अभी हम पहुंच चुके हैं वाघा बॉर्डर। तो यहाँ पर मास्क कंपलसरी है, यहाँ पर एंट्री नहीं है, मास्क कंपलसरी है यहाँ पर फिलहाल। अगर पीछे देख सकते हैं बहुत पब्लिक है, चालू हो चुकी है एंट्री, हम भी जा रहे हैं अभी अंदर। आपको बताता हूँ पीछे का, ये सामने का व्यू मेरे बहुत छोटे होते हैं कैसा है, ये है मेरे सामने का। देखो यहाँ पर बहुत रश है, आज सैटरडे है, यहाँ पर बहुत भीड़ है, बस ही बस खड़ी है लाइन सर, सब अंदर वाघा बॉर्डर पे शो देखने आए हैं। और धूप तो यहाँ पर क्या ही बोलो, क्या गर्मी है, 40-45 डिग्री चल रहा है। टोपी और मास्क दोनों कंपलसरी है यहाँ पर, इसके बिना तो हालत खराब है। क्या कमलेश भाई एग्री करता हूँ, इन मंथ ऑफ मे, अभी अक्टूबर में यहाँ पर सर्दी रहती है, वैसे मंथ ऑफ मे में तो जरूरी है। कुछ यहाँ पर एंट्री के बाद नज़ारे है, यहाँ पर इसी रेस्टोरेंट भी है अंदर, साढ़े पाँच बजे है, स्टेडियम परिसर के अंदर तकरीबन 50,000 लोगों के बैठने की क्षमता उपलब्ध है। वीडियो का मेन एंट्रेंस स्वर्ण ज्ञापंती द्वार है ना, तो हम लोग आया हमें फुल हो गए चीजें। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं पब्लिक फुल आई है, संख्याओं में पब्लिक आई है हजारों की, अभी हम भी एंट्री कर रहे हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, एंट्री एकदम फ्री है यहाँ पर, ये बैठने का है पूरा। सिटिंग है यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त, देशभक्ति के गाने चालू हो गए अंदर, हम भी बैठेंगे ऊपर जाके और आपको वहाँ से भी दिखा देंगे सर।
कैसा लगा? बहुत अच्छा, मजा आ गया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अभी शो खत्म हो चुका है और पीछे आप देख सकते कितनी पब्लिक है, मतलब कम से कम नहीं तो 50,000 के ऊपर प्लस पब्लिक किया सैटरडे इसके लिए, 50,000 के ऊपर पब्लिक आती है। मतलब इतनी भीड़ है, शो है और एनवायरनमेंट क्या अच्छा था अंदर, एकदम कोलोसियम जैसा मस्त जबरदस्त एनवायरनमेंट। आज के इस व्लॉग में इतना ही गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग दिस व्लॉग, दिस जर्नी विल कंटिन्यू। टिल देन दिस इज शुभ व्लॉग्स साइनिंग ऑफ।